hi friends welcome to english study point in this video lecture i am going to discuss with you about very important theory in translation studies in this video lecture i am going to discuss with you about scopos theory so this theory was developed by a german linguist whose name was joseph hermann vermeer he developed this theory during 1970s and according to this theory he states that whenever we are translating any kind of text from its source language to the target language we have to first सेट इन आर माइंड विद व्हाट पर्पस वी आर ट्रांसलेटिंग एनी ऑफ टेक्स्ट एंड वी हैव टू सेट स्पेसिफिक एम्स बिफोर अंडरगोइंग दिस टास्क ऑफ ट्रांसलेशन सो दिस ही स्टेटेड इन दिस पर्टिकुलर थ्योरी दैट इज स्कोपोज थ्योरी यानी स्कोपोज का मतलब ही क्या होता है एम या फिर पर्पस यानी कभी भी हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हैं तो हमें सबसे पहले उस चीज़ को ट्रांसलेट करने से पहले हमारे माइंड में स्पेसिफिक एम्स होने चाहिए जो कि हमें पूरे करने होते हैं उस ट्रांसलेशन के प्रोसेस को अंडरगो करने से आ, करते समय एंड ऑल्सो जब भी हम ट्रांसलेट करें तो हमारे माइंड में स्पेसिफिक एम्स होने चाहिए और स्पेसिफ़िक पर्पस होना चाहिए कि हम जो ट्रांसलेट कर रहे हैं तो हमारा क्या पर्पस है यानी एक सोर्स लैंग्वेज में से टारगेट लैंग्वेज में अगर किसी टेक्स्ट को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसका क्या पर्पस होना चाहिए या फिर एक ट्रांसलेटर का पर्पस ये भी हो सकता है कि वो सोसाइटी को एक अच्छा मैसेज दे देना चाहता हो जो कि वो सोर्स लैंग्वेज में ना दे पा रहा हो इसलिए वो टारगेट लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है है और उसके बहुत सारे पर्पस होते हैं सो so, सबसे पहले स्कोपो थ्योरी के अकॉर्डिंग कभी भी किसी चीज को ट्रांसलेट करो तो ट्रांसलेशन से पहले एक पर्पस रखो कि हम किस पर्पस से किस इंटेंशन के साथ किसी ट्रांसलेशन के प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं देन जब आ, पर्पस अगर आप सेट कर लो उसके बाद प्रोसेस आता है कॉम्प्रीहेंशन का यानी सबसे पहले सोर्स टेक्स्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करो कॉम्प्रीह करो देन फोकस रखो कि जब आप उस टेक्स्ट को यानी सोर्स टेक्स्ट यानी ओरिजिनल टेक्स्ट को आप अंडरस्टैंड कर चुके हो तब अपना फोकस रखो टारगेट टेक्स्ट पर टारगेट टेक्स्ट कौन सा टेक्स्ट होता है जिसमें जिस लैंग्वेज में, जिस में आपको ट्रांसलेट करना है वो क्या हो गया टारगेट टेक्स्ट हो गया तो देन अगर आपने सोर्स टेक्स्ट को अच्छे से समझ लिया फिर आपको ट्रांसलेट करना होता है टारगेट टेक्स्ट में देन आपको फ़ोकस रखना होता है टारगेट लैंग्वेज ऑडियंस पे यानी जब आपने ट्रांसलेट uh, कर लिया उसके बाद आपका नेक्स्ट uh, स्टेप ये होना चाहिए कि आप जो ट्रांसलेट कर रहे हो क्या वो टारगेट लैंग्वेज ऑडियंस की नीड्स को आपकी ट्रांसलेशन फुलफिल uh, करती है यानी उनकी नीड्स को पूरा करती है जिस चीज़ को आपने ट्रांसलेट किया है वो uh, यानी टारगेटेड ऑडियंस की नीड्स को सेटिसफाई uh, करती है या नहीं देन फिर ये हो जाने के बाद अगला स्टेप ये आता है कि फोकस ऑन द सिचुएशन यानी जब आपने किसी चीज़ को किसी टेक्स को ट्रांसलेट किया है तो आपने टारगेटेड लैंग्वेज ऑडियंस यानी उनकी सिचुएशन को ध्यान में रख कर किया है या नहीं इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना चाहिए एंड जब ये स्टेप पूरा हो जाए देन लास्ट स्टेप होता है कि आप जिस टेक्स्ट को ट्रांसलेट कर रहे हो ओरिजिनल लैंग्वेज में से टारगेटेड लैंग्वेज में तो आपको टारगेटेड लैंग्वेज ऑडियंस का कल्चरल और बैकग्राउंड uh, भी ध्यान में रखना चाहिए यानी वो किस कल्चर से बिलोंग कर रहे हैं उनकी कल्चरल नीड्स को भी आपकी ट्रांसलेशन फुलफिल करनी होनी चाहिए सो so, ये सारी स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू स्कोपोज थ्योरी नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग अबाउट स्कोपोज थ्योरी इन डिटेल सो स्कोपोज का मतलब होता है एम या फिर पर्पस यानी कभी भी हम किसी चीज़ को ट्रांसलेट करते हों तो हमें स्पेसिफ़िक एम्स को ध्यान रखना है एंड उन्हें ट्रांसलेशन के प्रोसेस में जब हम इन्वॉल्व हो जाएं तो उन एम्स को पूरा करना है एंड पर्पस भी ध्यान में रखना है सेट कर लेना है कि यस मेरा पर्पस ये है जिसकी वजह से मैं ट्रांसलेशन कर रही हूँ देन उसके बाद जब ये स्टेप पूरा हो जाए तो नेक्स्ट स्टेप होता है एक्शन लेने का कि हमें हमने माइंड में इस सारी चीज़ों को सोच लिया है देन अब हमें इम्प्लीमेंट करना है और वो किस तरीके से हमें एक्शन लेना है तो इस एक्शन को हंस जोसफ वर्मीर की लैंग्वेज में बोला गया है ट्रांसलेशन एक्शन वो किस तरीके से लिया जाएगा तो यहाँ पे ट्रांसलेशन एक्शन एक ह्यूमन एक्शन होता है जिसके अंदर इंटेंशन होते हैं सो so, ये ट्रांसलेशन एक्शन एक तरीके का ह्यूमन एक्शन होता है yes क्योंकि ह्यूमन इसे परफॉर्म कर रहा है इसलिए ये ह्यूमन एक्शन है एंड इसके अंदर क्या होता है एक इंटेंशन होते हैं इरादा जिसे अचीव किया जा सकता है किस तरीके से जब हम अपने पर्पस को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे सो so, हम जब पर्पस को आइडेंटिफाई कर लेंगे तब हम इंटेंशन समझ पाएंगे कि हमारा इंटेंशन क्या है इरादा क्या है इस चीज़ को ट्रांसलेट करने का देन फिर हम एक ओरिजिनल टेक्स को टारगेटेड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेंगे तो ये सारे स्टेप्स हैं सबसे पहला एम है देन ट्रांसलेशन एक्शन या फिर ह्यूमन एक्शन फिर उसके साथ इंटेंशन को कनेक्ट किया गया है एंड इस इंटेंशन को किस तरीके से हम पूरा कर सकते हैं अचीव कर सकते हैं जब हम अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कर लेंगे एंड जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तब हम लास्ट स्टेप ये लेंगे कि एक ओरिजिनल टेक्स्ट को ट्रांस टारगेटेड लैंग्वेज में से ट्रांसलेट करेंगे देन दिस थ्योरी फर्स्ट अपियर्ड इन आर्टिकल ये थ्योरी ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये थ्योरी कहाँ अपियर हुई थी सबसे पहली बार तो एक जर्मन जर्नल था एंड इस जर्मन जर्नल को हंस जोसेफ वर्मीर ने पब्लिश किया था इसका नाम था लेबेंडे स्प्राचिन एंड इसे 1978 में पब्लिश किया गया देन मेजर वर्क्स अब इस स्कोपोज थ्योरी से रिलेटेड एक मेजर वर्क पब्लिश हुआ था एंड उस वर्क को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया उसका नाम बड़ा ग्राउंड वर्क फॉर अ जनरल थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन ये एक तरीके की बुक है जो कि Uh, वर्मीर जी ने कैथरीना रेस के साथ लिखी थी एंड इसे पब्लिश किया गया 1984 में एंड इसी वर्क के अंदर इस थ्योरी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो कि एक ट्रांसलेटर को फॉलो करने चाहिए ट्रांसलेशन करते समय एंड इस uh, इन सारे रूल्स के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे सो दिस थ्योरी कंसीडर्ड एज कोर थ्योरी इस थ्योरी को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है कोर थ्योरी समझा गया है अमंग फोर जर्मन फंक्शनल थ्योरी तो फोर जर्मन फोर जर्मन फंक्शनल थ्योरी इमर्ज हुई थी लेट ट्वेंटी सेंचुरी में एंड जब ये इमर्ज हुई तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई स्कोपोज थ्योरी को सो so, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्कोपोज थ्योरी को दी गई इन चारों जर्मन फंक्शनल थ्योरीज में से एंड ये सारी फोर जर्मन फंक्शनल थ्योरीज़ हैं सबसे पहली है कैथरीना रेस फंक्शनल कैटेगरी एंड ये थ्योरी आई थी 1971 में देन हंस वर्मीज स्कोपोज थ्योरी This theory came in the year 1978. Then, Justa Hall's Matari's theory of translation action. So, this uh, theory, uh, theory appeared in 1981. Then, Christiania Nord's theory of function plus loyalty. This theory came in the year 1997. So, ये सारी चारों जर्मन फंक्शनल थ्योरीज हैं एंड इन सभी में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई हंस वर्मीर जी की स्कोपोज थ्योरी को एंड दिस थ्योरी इज़ कंसीडर्ड टू बी एज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरी इन ट्रांसलेशन स्टडीज़ Vermeer talks about three types of purposes of a translator when he used to translate any kind of work. First, one is that he wants to uh, earn uh, to sustain his livelihood. So, that is the main reason for economic reasons he translates any kind of work. Then, another one is communicative purpose, he wants to instruct to a targeted audience and also. Uh, wants to give them an important message which cannot be understood by them when present in our original language so that is why he used to translate from an original language to target language in order to satisfy their needs and also to uh, tell them about an important message that is why he uh, translate and third one is exhibit structural traits of the source language so there is a structural traits means दी स्ट्रक्चरल ट्रेड्स आर अपॉन विच ओरिजिनल टेक्स इज़ स्ट्रक्चरड सो स्ट्रक्चरल ट्रेड्स क्या है जिस पर ओरिजिनल uh, टैक्स बना हुआ है यानी ऐसा स्ट्रक्चर जिस पर ऑलरेडी एक औरिजिनल टैक्स बना हुआ है तो इस स्ट्रक्चर को वो बताना चाहता है टारगेट ऑडियंस को इसलिए भी वो टारगेट लैंग्वेज में uh, चीज़ों को ट्रांसलेट करता है यहाँ पे स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कुछ इम्पॉर्टेंट मीनिंग होता है यानी किसी वर्क का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है एंड वो स्ट्रक्चर कुछ ना कुछ आइडिया इम्पोर्टेंट आइडिया बताने की कोशिश करता है जो टारगेटेड ऑडियंस uh, को एक ओरिजिनल लैंग्वेज में रहकर समझ नहीं आता तो वो चाहते हैं टारगेटेड ऑडियंस ये चाहती है कि कोई ट्रांसलेटर जो इस पर्टिकुलर वर्क में इंपॉर्टेंट मीनिंग है वो उसे uh, एक ट्रांसलेटर उनकी टारगेटेड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे सो दैट इज़ वाई ही यूज टू ट्रांसलेट इन विच ही ट्राइज टू कीप ओरिजिनल मीनिंग इंटैक्ट वाइल फॉलोइंग दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन इन द टारगेटेड लैंग्वेज देन आई एम हियर टॉकिंग अबाउट वर्मीज व्यू ऑन ट्रांसलेशन What he thinks about translation. So, first of all, this I have already told that Scopo's theory established as one of the core theories among all four uh, functional theories. And according to him, translation is an action. Yes, it is a kind of human action. So, this uh, action can only be taken by human beings and possess purpose. Yes. Um, if we are undergoing any process of uh, translation then we also uh, have to set specific purpose which we have to complete while undergoing that process of translation and he saw translation as the production of text in specific target settings yes when we are following uh, this process of translation then we are again producing reproducing uh, a text which is already written in original language but when we are translating uh, that particular text from its original language to target language so here we are again reproducing a text in a new manner which uh, serves the need of targeted audience so here we see that he saw translation as the production of text in specific target settings yes स्पेसिफ़िक टारगेट सेटिंग्स का मतलब है कि हम स्पेसिफिकली टारगेटेड ऑडियंस के लिए इस ट्रांसलेशन को ओरिजिनल लैंग्वेज में से टारगेटेड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहे हैं इसलिए स्पेसिफिक टारगेट सेटिंग्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस येस वी आर व्हेन वी आर फॉलोइंग दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन वी वी हैव टू सेट स्पेसिफिक पर्पसेस दैट वी हैव टू मीट फॉर दैट पर्टिकुलर टारगेटेड ऑडियंस एंड पीपल अंडर स्पेसिफिक सर्गमस्टेंसेज यस लाइक आई हैव ऑलरेडी सेट इन दफ़ दिस वीडियो लैक्चर दैट वी हैव टू ऑल्सो टेक केयर ऑफ द नीड्स ऑफ of in which situation these uh, targeted audience are living in. So, according to these situations we have to we also have to consider these situation or uh, take in a, our mind that these situations are also necessary for uh, a translator while translating a text in the targeted language. So, according to him, translation is an action and possess purpose. He saw translation as the production of text in specific target settings for specific purposes and people under specific uh, circumstances. Then, पास ट्रांसलेशन थ्योरीज़ फोकस ऑन लिंग्विस्टिक्स एंड एकवी बैलेंस बेस्ड ट्रांसलेशन कि जितने भी हम पुरानी थ्योरीज uh, को देखते हैं ट्रांसलेशन थ्योरीज को उनमें किस तरीके से ट्रांसलेशन के बारे में बताया गया है कि हमें एक कल्चर के सोशल और लिंग्विस्टिक फैक्टर को ध्यान में रख के चीज़ों को ट्रांसलेट करना है बट स्कोपोज थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा वर्मीर जी ने कहा है कि हम जब भी एक चीज़ को ट्रांसलेट करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ पर्पस पता होना चाहिए बाकी सारे फैक्टर्स हमें ध्यान में नहीं रखने चाहिए तो दिस थ्योरी निगेट्स दी सोशल एज़ वेल एज लिंग्विस्टिक फैक्टर्स बाई अंडरगोइंग दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन and also there is equivalence based translation so equivalence based translation का मतलब है कि जिस तरीके से चीज़ों को original text में बताया गया है same का same as it is वैसा का वैसा targeted language में बता देना so ऐसा इस theory के according स्कोप उस थ्योरी के according deny किया गया है इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए हमें सिर्फ और सिर्फ purpose का ध्यान रखना चाहिए and फिर हमें एक्शन को परफॉर्म करना चाहिए देन इन स्कोपोज थ्योरी डज नॉट रिक्वायर फंक्शनल इक्वी वैलेंस टू द सोर्स टेक्स एज द गोल ऑफ स्कोपोज प्लेसिस एम्फेसिस ऑन द पर्पज ऑफ द ट्रांसलेशन एक्शन इंस्टेट यानी कि स्कोपोज में इस चीज़ को एम्फेसाइज किया गया है कि हमें इक्वी वैलेंस के फंक्शन पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए इक्वी वैलेंस का मतलब है कि सेम का सेम एज इट इज़ जिस तरीके से ओरिजिनल टेक्स में दिया गया है वैसा का वैसा टारगेट लैंग्वेज में बता देना तो ये गोल नहीं होना चाहिए किसी भी ट्रांसलेशन का गोल ये होना चाहिए कि हमें एक पर्पस के साथ किसी ट्रांसलेशन को पूरा करना चाहिए हमारा एक पर्पस होना चाहिए कि हमें एक पर्पस सेट करके रखना चाहिए कि हम ऑडियंस की नीड्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या फिर ऑडियंस की सिचुएशन को सम अंडरस्टैंड करके उसके हिसाब से हम चीज़ों को ट्रांसलेट करें ये सारी चीज़ें हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए हमें टारगेटेड ऑडियंस को सेटिस्फाई करना चाहिए ये हमारा सबसे बड़ा पर्पज़ होना चाहिए ट्रांसलेशन को करते समय Now I am here emphasizing about six directives which emerge out of this scopos theory. So here, a translator is determined by its scopos. So translator means whenever we are translating one thing, one uh, a text from its original language to another language that is targeted language. So at that time, uh, we should.

source language so here uh, this is so much comp uh, complex as well as confusing so here, uh, uh, here this point is emphasizing in this point uh, vermeer is emphasizing that whenever we are translating so uh, an original text always contain an important source of information and that सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन वेन वी ट्राई टू ट्रांसलेट इं टू दैट इंफॉर्मेशन इन टू टारगेट लैंग्वेज सो दैट पर्टुलर इंफॉमेशन शुड ऑल्सो भी रिटेनड फ्राम औरिजिनल टेक्स टू दैट परटिकुलर टारगीट लैंग्वेज कहने का मतलब है कि किसी भी टैक्स के अंदर औरिजिनल टेक्स के अंदर बहुत uh, ज़रूरी इन्फॉर्मेशन होती है एंड उस इंफॉर्मेन का को जब हम टारगेटेड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं तो उस इंफॉर्मेशन को भी रिटेन करके रखना है ताकि टारगेटेड ऑडियंस को पता चल पाए सो so, इन्फॉर्मेशन जो ओरिजिनल टेक्स्ट में ऑलरेडी है उसे ट्रांसलेट करते हुए टारगेटेड लैंग्वेज में भी बताने की कोशिश करना देन अ ट्रांसलेटम डज नॉट इनिशिएट एन ऑफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ क्लियरली रिवर्सिबल वे सो दिस पॉइंट अगेन इन दिस पॉइंट

रिवर्स नहीं कर देना चाहिए कभी कभार क्या हो जाता है कि हम ट्रांसलेट करते हैं हम उस मीनिंग को ट्रांसलेट नहीं कर पाते जो ओरिजिनल टेक्स्ट के अंदर होता है हम रिवर्स कर देते हैं मीनिंग को टारगेटेड लैंग्वेज में लाते समय सो ये नहीं करना होता देन अ ट्रांसलेटर मस्ट बी इंटरनली कोहेरेंट यानी इंटरनली कोहेरेंट का मतलब है कि कोहेरेंसी होनी चाहिए ये कोहेरेंसी क्या होती है एक ऑर्डर या फिर सीक्वेंस यानी जिस सीक्वेंस में बातें ओरिजिनल टेक्स्ट में बताई गई है ठीक उसे ट्रांसलेट करते समय ट्रांस टारगेटेड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हुए उसी ऑर्डर को फॉलो करना ये हो गया इंटरनली कोहेरेंट इंटरनली कोहेरेंट मतलब हमें जिस इंटेंडेड मीनिंग को स्ट्रक्चर के साथ एक ओरिजिनल टेक्स्ट में बताया गया है सेम उसी चीज को हमें टारगेटेड लैंग्वेज में भी बताना ज़रूरी होता है सीक्वेंस ऑर्डर में सीक्वेंशल ऑर्डर में देन अ मस्ट बी कोहेरेंट विद द सोर्स टेक्स यस यानी सोर्स टेक्स का यही सेम मीनिंग है कि कोहेरेंट होना चाहिए कोहेरेंट इन द सेंस सिक्वेंशल होना चाहिए जिन बातों को एक ओरिजिनल टेक्स में बताया गया है सेम उन्हीं बातों को हमें सोर्स टेक्स सोर्स टेक्स में जिन बातों को बताया गया है सेम उन्हीं बातों को हमें टारगेटेड लैंग्वेज में बताना होता है देन द फाइव रूल्स अबव स्टैंड इन हायरकल ऑर्डर विद द स्कोप रूल प्रिडोमिनेटिंग सो ये सारे फाइव रूल्स हैं एंड इस इन सारे फाइव रूल्स में से स्कोपोज रूल प्री डोमिनेट करता है यानी इन सारे रूल्स को डोमिनेट करता है अब ये स्कोपोज रूल क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट थ्री मेन रूल्स ऑफ द स्कोपोज थ्योरी फर्स्ट वन इज स्कोज रूल वॉट इज द स्कोपोज रूल सो दिस रूल एम्फेसाइजेज दैट वेन एवर आर राइटर राइट्स एनी काइंड ऑफ वर्क ही शुड ऑलवेज सेट पर्पज एंड दैट पर्पज मे बी रिफ्लेक्टेड इन हिज वर्क And also, this is a kind of message for a translator that he should also, while translating any kind of work, he should also set a purpose, and uh, which should be uh, reflected there in his translation. And whenever this purpose is cleared in his mind, with what intention uh, this uh, translator is translating any text, if this is clear in uh, in his mind, then this kind of पर्पज इज़ रिफ्लेक्टेड इन हिज ट्रांसलेसन विच सर्व्ज एज अ गाइडिंग मैप फॉर टारगेट ऑडियंस एंड टारगेट ऑडियंस में बी एबल टू यूज़ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई अ ट्रांसलेट ट्रांसलेटर थ्रू एनी काइंड ऑफ वर्क सो दे आर एबल टू यूज़ दैट टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन इन फ्यूचर यानि कहने का मतलब है कि एक राइटर किसी भी टेक्स्ट को लिखता है तो वो किसी पर्पस के साथ लिखता है एंड वो पर्पस उसके पूरे टेक्स्ट के अंदर रिफ़्लेक्ट होकर आता है तो ये पर्पस एक तरीके से ट्रांसलेटर के लिए सीख होती है कि वो भी अगर ट्रांसलेट करे किसी चीज़ों को तो वो भी किसी पर्पस के साथ करे अगर वो अगर उसके माइंड में ट्रांसलेशन को करने का पर्पस क्लियर होगा तो वो चीज़ उसकी ट्रांसलेशन में नज़र आएगी एंड ये ट्रांसलेशन uh, का पर्पस uh, अगर उसने uh, बता दिया अपनी ट्रांसलेशन को करते समय तो ये क्या एक तरीके से टारगेटेड ऑडियंस को हेल्प मिलेगी एंड वो इससे हेल्प लेकर जो भी ट्रांसलेटर द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन है वो उन्हें आगे फ्यूचर में यूज़ करेंगे सो so ये स्कोपस रूल रू, रू क्या कहता है कि हर एक टेक्स एक पर्पज़ के साथ प्रोड्यूस होता है तो एक ट्रांसलेटर को भी ट्रांसलेट करते समय पर्पस ध्यान में रखना चाहिए एंड उसी पर्पस को फॉलो करके उसे चीज़ों को ट्रांसलेट करना चाहिए सो ईच टेक्स इज़ प्रोड्यूस फॉर अ गिवन पर्पस एंड शुड सर्व दिस पर्पस ट्रांसलेट इंटरप्रेट स्पीक राइट इन अ वे दैट एनेबल्स योर टेक्स ट्रांसलेशन टू फंक्शन इन सिचुएशन इट इज़ यूज यानी कि किसी भी टेक्स को जब भी हम ट्रांसलेट करें तो हमेशा हमें टारगेटेड ऑडियंस की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए भी Uh, एक टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहिए ताकि टारगेटेड ऑडियंस को जो भी एक ट्रांसलेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाह रहा है वो टारगेटेड ऑडियंस समझकर फ्यूचर में यूज़ कर सके सो हेयर इन द सिचुएशन इट इज़ यूज एंड विद द पीपल हु वांट टू यूज़ इट एंड प्रिस इन द वे दे टू फंक्शन देन कोहेरेंस रूल का यहाँ पर मतलब है ट्रांसलेशन शुड बी एक्सेप्टेबल इन अस दैट इट इज़ कोहेरेंट विद द रिसीवर्स सिचुएशन सो एनी टारगेट टेक्स्ट शुड मेक सेंस अकॉर्डिंग टू द टारगेट कल्चर ऑफ द टारगेट लैंग्वेज सो दैट रिसीव्स रिसीवर कैन मेक सेंस सो हेयर आई एम अगेन टेलिंग यू दैट जब भी कोई भी एक टारगेटेड टेक्स को एक औरिजिनल टेक्स में से ट्रांसलेट किया जाता है तो टारगेट टेक्स की कुछ ना कुछ सेंस बननी चाहिए समझ में आता होना चाहिए मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि टारगेट कल्चर उसे अंडरस्टैंड कर सके उसकी ट्रांसलेशन को अंडरस्टैंड कर सके एंड uh, वो उस करेक्ट मैसेज को रिसीव कर पाए जो कि एक ट्रांसलेटर कहना चाहता हो सो एनी टारगेट टेक्सट शुड मेक सेंस अकॉर्डिंग टू द टारगेट कल्चर ऑफ़ द टारगेट लैंग्वेज सो दैट Uh, a targeted uh, audience can receive as well as make actual sense.

कि एक टारगेट टेक्स में यानि जो सोर्स टेक्स के अंदर ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन पड़ी है उस इंफॉर्मेसन को जब भी हम ट्रांसलेट करें तो उस इंफॉर्मेशन को टारगेटेड uh, लैंग्वेज में भी बताना सो टारगेट टेक्स्ट आर प्रोड्यूस इन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफर्ड बाय सोर्स टेक्स सोर्स टेक्स्ट के हिसाब से सोर्स टेक्स्ट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन एज़ इट इज़ टारगेटेड टेक्स्ट में भी बताना सो so ये क्या होगा ये एक तरीके की फेथफुलनेस क्रिएट हो पाएगी नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट सम एडवांटेजेस ऑफ स्कोप थ्योरी, सो इट मे अलाउ देम टू सेट पर्पज फॉर इट मे अलाउ अ ट्रांसलेटर टू सेल्सो दे आर एबल टू नो अबाउट देयर इंटेंशन विद वॉट इंटेंशन दे आर ट्रांसलेटिंग एनी काइंड वर्क एंड विच मे अल्टीमेटली गाइड देम वर्ड्स देयर गोल्स ऑफ completing their translation from an original text to a targeted text so this is first advantage of scopus theory now i am talking about another kind of uh, advantage that is of providing guideline so yes uh, this kind of theory provides them a kind of guideline due to which they are able to adopt certain strategy and also, they are able to take certain factors into their consideration while uh, translating any kind of uh, work, original work. So, uh, what this factor is that they are able to check up adequacy as well as needs which satisfy. दीज टारगेटेड ऑडियंस सो ये क्या होते हैं एडिक्वेसी और एक नीड्स को सेटिस्फाई करना ये दोनों ही एक फैक्टर्स बन जाते हैं जिनको ध्यान में रखकर एक ट्रांसलेटर चीज़ों को ट्रांसलेट करेगा जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है कि अगर हमारी टारगेटेड ऑडियंस अगर मैं एक ट्रांसलेटर हूँ और मेरे से टारगीट ऑडियंस ये चाहती है कि मैं टेक्स को यानी मैं एक ट्रांसलेटर को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाऊँ एक ट्रांसलेसन को तो वो मैं किस तरीके से बनाऊंगी मैं एडिक्वेसी का ध्यान रखूंगी मैं दो फैक्टर्स का सबसे पहले ध्यान रखूंगी एडिक्वेसी को यानी एडिक्वेसी क्या है जो कि ओरिजिनल टेक्स्ट में जो चीज़ एडिक्वेटली बताई गई है उन्हीं को एज इट इज़ वे में टारगेटेड ऑडियंस को बताना यानी टारगेटेड लैंग्वेज में कन्वर्ट करके टारगेटेड ऑडियंस को बताना एंड उसके बाद वहाँ की टारगेटेड ऑडियंस की नीड्स को भी सेटिस्फाई करना सो so, ये सारी चीज़ों का मेरे को ध्यान रखना है ये एक तरीके की स्ट्रेटजी प्रोवाइड करती है गाइडलाइन प्रोवाइड करती है कि इन सब चीज़ों का को, को ध्यान में रख के मुझे चीज़ों को ट्रांसलेट करना है देन मल्टीपल्स ट्रांसलेशन स्ट्रैटेजीज़ सो मैंने अभी लेक्चर की शुरुआत में बताया कि स्कोपोज थ्योरी हमें मल्टीपल ट्रांसलेशन स्ट्रैटेजीज बताती है जैसे कि सबसे पहले हमें पर्पस का ध्यान रखना वो भी एक स्ट्रैटेजी हुई उसके बाद चीज़ों को कॉम्प्रिहड करना फिर टारगेट टेक्स्ट पर फोकस रखना उसे फोकस uh, करने के बाद हमें टारगेटेड ऑडियंस की नीड्स को सेटिस्फाई करना एंड उसके बाद बहुत सारे अलग अलग स्टेप्स जैसे कि कल्चरल बैकग्राउंड को यानी टारगेटेड ऑडियंस की सिचुएशंस को भी ध्यान रखना एंड उनके कल्चरल बैकग्राउंड्स का भी ध्यान रखना सो so इन सारी चीज़ें ये सारी चीज़ें एक तरीके की स्ट्रैटीज़ प्रोवाइड करती हैं जिसके बेसिस पे एक ट्रांसलेटर चीज़ों को ट्रांसलेट करेगा एंड ये सारी चीज़ें क्या आप प्रोवाइड करेगी एक ट्रांसलेटर को क्रिएटिव बनाएंगी और भी ज़्यादा प्रैग्मैटिक प्रेगमेटिक बनाएगी चीज़ों को एनालाइज़ करने का तरीका